और वहाँ पे काफ़ी ज्यादा मजा आया शख्स के साथ भी मैंने काफी सारी मस्ती की ओके okay. अगर वो पूरा दिखा देती तो मेरा अपीयरेंस <laughs> कुछ ज्यादा ही हो जाता भैया आपने सबसे मजेदार पार्ट से इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनेगा इतने सारे आ रहे हैं Correct. और सबसे अच्छी बात तो आ ही रहे हैं साथ ही साथ उन्हें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी, भी, मिल, मिल रहे रहे है। रहा है ताकि और अच्छा वो कर सके <laughs> तो हम चाइना को पीछे डाल देंगे अभी डाल देंगे बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा पूरा होगा

एक्शन हेलो एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन दोस्तों आज हम आए हैं प्रथमेश सिन्हा उनसे बात करने शार्क टैंग इंडिया शो में आपने उनको देखा है बहुत बहुत सारे हिंदुस्तानी लोगों का आउट ऑफ इंडिया जो भी लोग हैं जो शार्क टैंग इंडिया देखते हैं उन सारे लोगों का प्यार प्रथमेश को मिल रहा है और जो मेरे व्यूअर्स है मेरे रिलेटिव है मेरे फ्रेंड्स है सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि यार शार्क टेंग इंडिया के जो पीचर्स हैं आप उनसे तो आप उनसे तो इंटरव्यू कर रहे हो बट प्रथमेश से आप इंटरव्यू कब करोगे तो मैंने ट्राई किया उनसे कॉन्टैक्ट करने का और थैंक्स टू तो प्रथमेश की मम्मी उन्होंने बहुत जल्दी मुझे रिप्लाई किया और आज हम प्रथमेश जी के साथ हैं प्रथमेश वेलकम टू तो बाई इंटरव्यू चेतन थैंक यू भैया प्रथमेश आपको जो शो हुआ शार्क टैंक इंडिया तो उसमें इतना प्यार मिला कि बहुत अलग ही पूरी लाइफ बन गई होगी अभी आपकी यस yes, भैया तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं लाइक कि आपके बारे में आप क्या बताओगे कि आप क्या करते हो लाइक एज क्या है आपकी एक्चुअली भैया मैं अभी 15 जनवरी को 11 साल का हुआ हूँ और मैं फिफ्थ में हूँ ओके okay, ओके okay. अभी आप फिफ्थ में हो ओके okay. और जो शार्क टैंक का जब आपको पता चला था तो थोड़ा बहुत आप अपनी कंपनी के बारे में जिस कंपनी का आप ब्रांड एम्बेसडर हो उसके बारे में क्या बताओगे कि आपको जब पता चला कि आप शार्क टैंक इंडिया में फीचर होने वाले हो तो कैसा आपको लगा भैया शार्क टैंक इंडिया जो शो है उसके बारे में मुझे उतना पता नहीं था मैं बस इतना जानता था कि सोनी टीवी पे एक शो आने वाला है जिसका नाम शार्क टैंक इंडिया है पर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि सोनी टीवी पे आने वाला है और सोनी टीवी एक नेशनल टीवी है तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात और काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती इसीलिए काफ़ी ज़्यादा मैं एक्साइटेड था और सेट पर जाकर मेरी एक्साइटमेंट का लेवल दुगना और दुखना और दुगना हो गया और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा मजा के साथ भी मैंने काफी सारी मस्ती की और okay. अगर वो पूरा दिखा देते तो मेरा अपीयरेंस <laughs> कुछ ज्यादा ही हो जाता इतनी मस्ती की थी हमने वहाँ पे और ऑन स्टेज काफी ज्यादा मजा आया काफी ज्यादा मजा आया तो प्रथमेश मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो एक्सपीरियंस था शार्क टाइम इंडिया का हमने तो सारी चीज़ें देखी आपकी जैसे कि आपको आपने आपको वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आता वो बोले यस आई विल मैनेज ये कॉन्फिडेंस आप में कैसे आता है क्योंकि मैं आपको जब मैं आपके उम्र का था जब मैं 10 11 साल का था तो मुझे कुछ नहीं आता था मैं अगर सही बताऊँ आपको तो मुझे अभी भी कुछ नहीं आता है वो बात अलग है बट आप में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है कॉन्फिडेंस मेरे साथ क्या होता है कि ज़्यादातर लोग देखकर डरते हैं कि मैं मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर लोग देखकर डरते हैं कि नहीं सामने शार्क से या ऐसा कुछ लोग देखकर कर डरते कि इतने सारे ऑडियंस है कैमरा है इधर लोग इतने सारे देखने वाले हैं मैं कुछ नहीं देखता ना ही मैं कैमरा देख पाता हूँ मैं बस मुझे जो कम करना है मुझे जो बोलना है वो मैं बोल देता हूँ अब उसके आगे कौन क्या सुन रहा है कौन क्या समझ रहा है वो मेरे 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 नहीं है मैं बस बोल देता हूँ और बस आ जाता हूँ ओके 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 और जब आप शार्क टाइम पे गए तो फिर शार्क्स के साथ मिलना लाइक like, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े शार्क्स थे लाइक like, जो कि इन्वेस्टर्स है तो आ, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनकी आप जब आपने कॉन्टेक्ट किया उनसे कम्युनिकेशन चल रहा था तो हर एक के बारे में आप थोड़ा थोड़ा क्या बताओगे सर uh, सभी शख्स के साथ मुझे काफी ज्यादा मजा आया था hmm. और uh, अनुपम सर ने तो मुझे अपनी की पे दिया था <laughs> yes. और अमन सर का ह्यूमर काफी ज्यादा ज्यादा अच्छा है है hmm. नमिता मैम तो कुछ स्वीट है। उन्होंने पूछा मुझसे कि आप कहाँ रहते हो मेरे स्कूल के बारे में पूछा hmm. जब उन्हें पता चला की मैं पुणे में रहता हूँ वो काफी hmm. ज्यादा खुश हो गई oh. उन्होंने बताया की वो भी पुणे में रहती है और मेरे फेवरेट डेजर्ट पूछा और उन्होंने कहा वो भी अच्छा डेजर्ट बनाती है तो मैंने कहा मुझे कस्टर्ड पसंद है हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जब आओगे ना तो मैं कस्टर्ड बनाऊंगी आपके लिए और उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया है अपने घर पे ओके 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 तो अभी मतलब सारे शाख्स के साथ आपकी अच्छी दोस्ती बन गई है ओके ओके प्रथमेश अभी आपका बर्थडे हुआ फिफ्टीन ऑफ जान को तो शाख्स जो भी शाख्स है उनसे कुछ कॉल्स वगैरह कुछ मैसेजेस आपको आए भैया आपने सबसे मज़ेदार पार्ट से इवन सभी अमन सर का मुझे कॉल आया था मेरे पार्टी के टाइम पे hmm. फिर मुझे नमिता मैम का मैसेज वॉइस मैसेज आया था उन्होंने इनवाइट किया था मुझे कॉल भी आया था उन्होंने विश किया नमिता मैम ने hmm. फिर पीयूष सर के ऑफिस से मुझे कॉल आया उन्होंने उन्होंने विश किया hmm. और पीयूष सर भी मुझसे बात करना चाहते हैं hmm. और आ, अनुपम सर का भी कॉल आया था उन्होंने भी मुझे बर्थडे विश किया और हम सबसे बातें की ये सबसे मज़े मजेदार और एक्साइटिंग पार्ट रहा बर्थडे ये, ये मतलब आपका अभी जितने भी बर्थडे हो उसमें से ये बर्थडे बहुत अच्छा लगा होगा आपको बिकॉज मोस्ट स्पेशल बर्थडे एवर एंड इवन यही मेरे अचीवमेंट को काफी ज्यादा खास बनाता है अरे और गिफ्ट्स क्या क्या मिले अभी आपको गिफ्ट्स काफी कुछ मिले सर मुझे मुझे दूसरे लोगों का अभी याद नहीं आ रहा है बट अमन सर ने मुझे ये देखिए बोट की स्मार्ट वॉच वॉच करेक्ट वॉचार्ट हाँ, बोट का ये मुझे ईयरपॉड भेजा है हाँ। बोट का ईयरबड भेजा है बोट के वायरलेस हेडफोन्स और ये बोट का स्पीकर भेजा है मुझे ऐसे पांच आइटम सर ने भेजे मुझे हेलो एवरीवन आज मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड और मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ जो की <laughs>

ओके okay, तो आप भी मानते हो कि Shark Tank इंडिया जैसा शो इंडिया में आने से बहुत सारे लोगों को एक बिजनेस एजुकेशन मिलेगा यस yes, सर बिल्कुल और इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनेगा इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं Correct. और सबसे अच्छी बात एंटरप्रेन्योर्स तो आ ही रहे हैं साथ ही साथ उन्हें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी भी मिल, मिल रहा है ताकि और अच्छा वो कर सके तो हम चाइना को पीछे डाल देंगे अभी डाल देंगे बिल्कुल <laughs> आप, पूरा होगा। पूरा होगा। <laughs> आप जब शो में थे तब तो आपने बोला था कि आपको आईएस बनना है यस yes. ओके बट अभी शो के बाद आपको इतने सारे आप पीचेस देख रहे हो तो आपको लग रहा है कहीं पे कि आपको बिजनेस भी करना चाहिए Uh, भैया uh, मेरा फोकस हमेशा से क्लियर थे गोल क्लियर था मेरा तो मुझे आई एस ऑफिसर ही बनना है बट बिज़नेस में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है और मैं आई एस तो बनूँगा ही बट बिज़नेस में अगर कभी कुछ नॉलेज और मुझे गेन करना होगा तो वो मुझे इंटरेस्ट है इंटरेस्ट है मतलब है। मुझे करना हर में है। तो, तो गेन करूंगा ही प्रथमेश हाँ। yes. yes. okay. अभी आप ब्रांड एम्बेडर हो थिंकर बेल कंपनी के एनी प्रोडक्ट yes. को आप प्रमोट करते हो शार्कटैंग yes. इंडिया में भी आपने एनी प्रोडक्ट को प्रमोट किया yes. अगर आपके पास कोई और ब्रांड आता है कोई और ब्रांड आके आपको अप्रोच करता है कि हमारा प्रोडक्ट भी आप प्रमोट कीजिए आप हमारे प्रोडक्ट को भी हमारे प्रोडक्ट के भी ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए तो आप भैया yes, पहले चेक करूंगा कि कैसा है उसमें क्या क्या है हुँ. और मान लीजिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ तो ज्यादातर पेरेंट्स बच्चों को चॉकलेट खाने से मना करते हैं पर अगर मुझे उसमें कुछ ऐसे प्रोटीन वैल्यू हो या कुछ अच्छा हो बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो तब मैं उसमें हाँ कुछ अपना डिसीजन बना सकता हूँ और कस्टमर्स के लिए भी वो बेनिफिशियल होना चाहिए जैसे अभी एनी ले लीजिए तो बच्चों के लिए बेनिफिशियल है और रीजनेबल भी है इसीलिए ये पहले तो बेनिफिशियल होना चाहिए और कस्टमर्स को ये अच्छा लगना चाहिए फिर मैं इसमें कुछ अपना डिसीजन बना पाऊंगा बना पाओगे okay. <laughs> गाइस बहुत सारे लोग होते हैं कि ब्रांड मिलना चाहिए मिलना चाहिए मिलना चाहिए ब्रांड मिल गया तो साइन कर लेते बट एक 11 साल का बच्चा है और उसकी आप सोच देखिए कि वो जो कंज्यूमर्स होते हैं अगर उनके लिए वो बेनिफिशियल है उससे उनको कुछ हार्म नहीं होगा ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखे वो ब्रांड्स मतलब एक्सेप्ट करेगा ये बोल रहा है प्रथमेश शार्क टैंक इंडिया के पहले की लाइफ आपकी कैसे थी और डिफरेंस क्या आया शार्क टैंक इंडिया के बाद आपको मतलब कैसा कैसा प्यार मिल रहा है लोगों की तरफ से भी चेंजेस क्या बताओगे आप हाँ भैया मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा मैं पहले भी काफी जगह मोटिवेशनल स्पीच दे चुका हूँ मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ oh. तो उस वक्त काफी लोग मुझे पहचानते थे मैं जगह जगह जाता था और मोटिवेशनल स्पीच देता था पर तो जहाँ पे मैं जाता था वहीं के लोग मोस्टली मुझे पहचानते थे रेडियो मिर्ची पे भी मैं गया था तो लोग मुझे सिर्फ देख सुन सकते थे देख नहीं सकते थे <laughs> बट ये शार्क टैंक एक काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म था जो कि नेशनल टी वी पर आता है और इससे मुझे काफ़ी बड़ी पहचान मिली है लोग मुझे जानने लगे हैं मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो लोग मुझसे कहते हैं कि मैंने आपको शार्क टैंक में देखा था और काफ़ी सारी बातें करते हैं मुझसे फ़ोटो खिंचाते हैं और ये लाइफ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और यही

काफ़ी सारे शख्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से आपको फॉलो किया है मेरे बारे में काफ़ी कुछ लिखा है मुझे फॉलो भी किया है तो उन उन शख्स को उनके शख्स शा, के कमेंट्स पढ़ के पोस्ट पढ़ के दूसरे लोग भी मुझे फॉलो करना शुरू कर रहे हैं बहुत सारे लोग लिखते हैं कि मुझे आपको चॉकलेट भेजना है ऐड अड, करवाना है और प्रमोशन वीडियो बनवाना है या मैं आपका फ़ैन हूँ ऐसे बहुत कुछ तो मुझे, सो मुझे काफी सारे लोगों के और ल, मिल रहा है मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है और ये सब देखकर मैं भी काफी ज्यादा मोटिवेट होता हूँ और यही मुझे यही पूरी चेंज हो गई अभी आपकी अभी मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई है इवन मैंने अभी ड्रीम भी नहीं देखा था इस बारे में कि <laughs> इतने आप फेमस हो जाओगे

Uh, मैं uh, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ मैं राम रामरक्षा स्त्रोत्र स्तोत्र स्त्रोत्र रुद्राष्टक गीता में जितने श्लोक से वो अथर्वशेष और गन, श्री गणपति स्त्रोत्र ये सब पढ़ता हूँ रोज़ के डेली पूजा में और uh, साथ ही साथ मैं अपडेट रहता हूँ मैं काफ़ी सारे नए uh, काफ़ी सारे न्यूज़ देखता हूँ बिकॉज़ मैंने आपको पता है मैं आई ऑफिसर बनना चाहता हूँ तो मैं ना अपडेट रहता हूँ हमेशा कि आज जो मैं सुन रहा हूँ या आज जो मैं पढ़ रहा हूँ वही कल होकर हिस्ट्री बन जाएगी और जो मैं आज नहीं सुन रहा आई एस के वक्त तो वो वही मुझे पढ़ना है तो अच्छा है मैं पहले से सुन के रखूँ इसीलिए मैं न्यूज़ सुनता हूँ मैं मेरी सिंगिंग हॉबी है तो मैं कभी कभी ऐसे गाता भी हूँ सिंगिंग इज़ माई हॉबी एंड ऑल्सो साथ ही साथ मैं काफ़ी कुछ uh, जो होता है सुनता रहता हूँ वीडियोस जैसे आ, आज करेंट अफेयर क्या है या कोई टेक्नोलॉजी कोई नई मिसाइल ऐसे बहुत कुछ सुनता रहता हूँ मैं मतलब आपको आ, और सिचुएशन वाइज क्या क्या हो रहा है एजुकेशन वीडियोस में काफी सारे सुनता हूँ एजुकेशनल वीडियोस ओके तो मतलब आपको सारे चीजों के बारे में नॉलेज है यस और इवन आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं अगर आपको जानना है तो आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं जो आपको नहीं पता प्रथमेश कुछ नहीं आता है मैं आपको क्या पूछूं आप इतने टैलेंटेड होगी आप जब बोल रहे हो आपने इतने सारे मंत्र बोला आपने इतने सारे टेक्नोलॉजी मिसाइल परसेंट भी नॉलेज नहीं है लेकिन आपको मैं एक मंत्र सिखा के ही भेजूंगा चलेगा तो चलेगा गीता तो का एक मंत्र सिखा के भेजूंगा चलेगा चलेगा आप क्या बताना चाहोगे जो लोग हमें अभी देख रहे हैं कुछ आपका एक आ, कुछ इंस्पिरेशनल चीज आप कुछ बोलना चाहोगे इस भैया मैं पहले सभी को कहना चाहूँगा चाहे वो बच्चे हैं या बड़े हैं कि हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना चाहिए भी negative, और जिस वजह से हमारे आसपास का और भी पॉजिटिव हो जाता है और दूसरी चीज़ मैं बच्चों के लिए कहना चाहूँगा कि बाय गॉड ब्लेसिंग्स हमें लॉकडाउन में काफ़ी सारा टाइम मिला है तो हमें पढ़ाई के साथ साथ उसे और कई चीज़ों में यूटिलाइज करना चाहिए जैसे नई स्किल्स सीखनी चाहिए और भी कई सारी चीज़ें बिकॉज स्कूल आने जाने में काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता है बट फिलहाल हमें एक नई स्किल सीखने का मौका मिला है तो हमें पढ़ाई ही नहीं सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि स्किल्स भी काफ़ी सारे सीखने हैं ताकि हम अपडेट रहने के साथ ही साथ Uh, उसको प्रैक्टिकली यूज भी हो सकता हाँ, है उसको प्रैक्टिकली यूज भी हो सकते है तो अपडेट भी रहिए और टैलेंटेड भी रही स्टे टैलेंटेड स्टे पॉजिटिव स्टे अपडेटेड अपडेटेड स्टे सेफ स्टे सेफ कोरोना है अभी थैंक यू एंड प्रथमेशंक यू सो मच आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें दी और बहुत सारे लोग है जो आपसे इंस्पायर होंगे बहुत सारे लोगों का प्यार आपको मिल रहा है और मिलेगा एंड थैंक यू सो मच प्रथमेश भैया यस